मैंने जो गलती की आप बिल्कुल मत करना। यस, आई एम अंकिता, आई एम अ फैशन डिजाइनर एंड आई डिजाइन एंड स्टाइल पीपल। लाइक यस ऑफ कोर्स आई डोंट डिजाइन पीपल बट यस आई स्टाइल देम। बात हो रही है डिजाइनिंग डायरीज की और यहाँ पे मेरे क्लाइंट है कुछ VIP। हाँ, VIP मतलब वही वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन, एंड ये वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन कोई और नहीं बट मेरी दीदी है। तो उसके देवर की शादी है और उसे कुछ डिज़ाइन करवाना था, और मैंने बचपन से सुना है कि उसे कुछ घेरा वाला, लाइक बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर वाला ड्रेस चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वही किया, एक लहंगा बनाया जिसमें बहुत सारा फ्लेयर है, और आई होप उसे पसंद आ जाए, क्योंकि मुझे तो पसंद आया है एंड मुझे जितना उसका टेस्ट पता है, हाँ उसे भी पसंद आ जाएगा। वेल, आई होप उसे पसंद आ जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले तो लिया था जॉर्जेट, बट जॉर्जेट से उतना अच्छा नहीं बन पा रहा था, क्योंकि मैंने जॉर्जेट में लिया था बायास पीस। जब भी आप बायास पीस लो तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लेयर आ तो जाता है, बट आप बॉर्डर वगैरह अटैच नहीं कर पाते हो, एंड इवन आई फेस्ड द सेम प्रॉब्लम। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर जो बॉर्डर के लिए कपड़ा लेकर आई थी, एज़ यू हैव सीन द स्केच, नीचे बड़ा सा बॉर्डर बना हुआ है, राइट? तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर रॉ सिल्क लिया था, तो वो मैंने अराउंड 4 meters लिया, बट वो कम पड़ गया था, लाइक आई ओनली नीडेड 1 meter मोर, बट मैं पूरा 4 मीनार छान मार कर आई, बट मुझे फिर से वो फैब्रिक नहीं मिला, क्योंकि मैं जब ले रही थी मैंने उतना गौर नहीं किया, तभी कम था, लाइक अराउंड 1 to 2 meters ही एक्स्ट्रा था, और मुझे तभी लेना चाहिए था, बट मैंने तभी नहीं लिया, और उसी वजह से मेरे डिज़ाइन में थोड़े से चेंजेस मुझे करने पड़े, क्योंकि जब भी आप कुछ बनाओ, मतलब स्केच जो करते हो एग्जैक्टली कभी कभार सेम बनता है, और कभी कभार जो बनते बनते कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, तो हमको चेंजेस करनी पड़ती है, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि जब भी हमारे इमेजिनेशन में कुछ होता है वैसा ही कुछ आप एंड प्रोडक्ट लाओ, ये हर टाइम होता नहीं है। समटाइम्स इट लुक्स गुड इन आर इमेजिनेशंस बट नॉट इन द रियल लाइफ। तो यहाँ पे मैंने ये स्लीव्स का ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाया था, बट ये उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लाइक या इट वॉज लुकिंग गुड, बट ये प्रिटी कैजुअल हो गया था, लाइक ये तो सारा कुछ अवेलेबल है मार्केट में ही, और ऐसे डिज़ाइन्स बहुत सारे बन चुके हैं ऑलरेडी, तो मैंने सोचा क्यों ना इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए थोड़ा सा सिंपल रखूँ स्लीव्स, क्योंकि ब्लाउज़ तो ज़्यादा प्लेन है, स्लीव को ही हमको डिज़ाइन करना है, और बस बॉर्डर 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 ऐसे ही स्ट्रेट लाइंस में लगा हो तो कुछ अलग तो नहीं बन रहा है। तो मैंने उसी लिए यही जो सीक्वेंस वाला लेस है उसी को मैंने ऐसे घुमा कर लगा दिया, एंड या दिस इज़ लुकिंग प्रिटी गुड, प्रिटी एलिगेंट, एंड आई होप इवन यू आर लाइकिंग दिस डिज़ाइन। एंड एज़ यू नो, लाइक एज़ यू हैव सीन, मैंने बांधनी वाला दुपट्टा लिया था, उसमें भी मैंने लेसेस लगा दिए, और उसका बजट, मतलब मैंने सोचा क्यों ना मैं कम बजट में ही थोड़ा अच्छा कुछ बना दूँ, तो उसी लिए मैंने कम बजट में ही बनाने का सोचा, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सम हैंडवर्क और सो, क्योंकि वो बहुत टाइम भी लगता है एंड हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है। तो मैंने ये सारे लेसेस एंड ऑल लगा के इसे फिनिश ऑफ कर दिया, एंड लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। एंड अगर आपको भी ऐसा कुछ डिज़ाइन करना है, करवाना है, तो येस यू कैन DM us। आपको व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, सो डू चेक इट एंड DM us। हम लोग क्लोथिंग के साथ साथ ज्वेलरीज एंड अदर एक्सेसरीज भी डिज़ाइन करते हैं, तो ये सारा कुछ बन जाएगा। एंड आपको अगर मेरे ये वीडियोज़ पसंद आते हैं तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फर्गेट टू प्रेस द बेल आइकन। क्यों? क्योंकि आप नोटिफाइड रहोगे, और नोटिफाइड रहोगे तभी तो आप मेरे कॉन्टेंट्स देख पाओगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।